हमको पैसा नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। जान सुरक्षित रहेगा तो पैसा बहुत आएगा, जब जान सुरक्षित नहीं रहेगा तो पैसा लेके क्या करेंगे हम, हाँ बताइए। अब मोदी जो है ना, जो कहता वो करता है, ये गलत बात बोलना नहीं चाहिए, समझे ना। और इन्हें काम नहीं किया पांच साल में, क्या किया है, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है हम लोग के। बांग्लादेशी आ रहे हैं इधर, तू ये ना मोदी आएगा तो नहीं आएगा, सरकार आएगा तो यहाँ से भगाएगा उसको, भगाएगा क्यों नहीं भगाएगा, विदेश के यहाँ चलती है ना चलने दिया, पाकिस्तान के चलती है ना चलने दिया, तो यार वो दूसरा बांग्लादेश के चलने देगा जी। सोरे सरकार नहीं भगाती है, वो क्या करेगा, वो तो चूड़ी पहन के बैठा है और क्या करेगा, चोरी करके बैठे हुए, कोई लड़की की इज्जत नहीं करते है, बड़े आदमी की इज्जत देते, हम लोग की इज्जत नहीं देते है। अब मोदी है ना सबके लेके चलते है, वो मोदी आएगा, आएगा पक्का आएगा, हेमंत सूरत जाएगा पक्का। 1000 योजना कहाँ था, गरीब लोग भूखे मर रहा था कहाँ था, कहाँ था, उतना दिन से कुछ भी नहीं किया, आज जब देखा पत्ता गाय वाला है तब देख लिया कि अब 1000 का दे दे तो महिला लोग के ग्रुप में के वोट आ जाएगा मेरा, ये भूल है। सरकार सबके लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं होना कि झारखंड के लिए, यहाँ पर हर जगह का आदमी बसा हुआ है, तो सबके माँ बहन के लिए, जितने भैया लोग जाते पढ़ने के लिए, आदमी पढ़ लिख के भी उसको नौकरी नहीं मिला जाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो उसको लिए नौकरी मिल जाता है, और उसको वैसे पहले 1000 के पैसा नहीं चलाया था, आज जब देखिए जब वोट अब आ गया है तो 1000 की योजना चालू किया गया, महिला योजना किया गया, उसको वैसे प्लस में क्या किया गया है कि इससे पहले किसी के आ रहा किसी के नहीं आ रहा है, उसको बाद से फार्म भर लिया जा रहा है, उसको बात कर रहा है ना कि महिला योजना दिया जाएगा, किसी के मिल रहा है किसी के नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार नहीं चाहिए, योजना से खुश नहीं है, नहीं है, मिल ही नहीं रहा, किसी के मिल रहा किसी के नहीं मिल रहा है, समझे ना। अब पहला नंबर तो ये बोलते है कि गरीब बच्चे लोग पढ़ा रहे, बाप मतारी जमीन बेच के पढ़ा रहे, घर बेच के पढ़ा रहे, तो आज के डेट में जानते हैं वो गरीब के माँ बाप जानते पढ़ लिख के नौकरी करके दौड़ धूप के उसको नौकरी नहीं मिलता है, पता है ना, घर द्वार सब कुछ बिक जाता है बाल बच्चे के लिए, और फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है, सरकार क्यों नहीं देता गरीब के ऊपर, देखता है नहीं देखता है, सब बड़े आदमी के अमीरे लोग के बच्चा लोग जाइएगा ना ऑफिस में तुरंत आगे बढ़ जाएगा, हम लोग के वैल्यू नहीं देगा, हम लोग को जूता समझता है, बेटी सुरक्षित नहीं है, कहाँ है सुरक्षित रहता तो रोड पर काम करने जाता, कुछ नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं है, जहाँ पाता जहाँ लड़की लोग के ही हो जा रहा है, कहाँ है, भाजपा के सरकार था यहाँ ठीक रहता था, और जब से हेमंत सोरेन आए हैं जब से महंगाई बढ़ा दिया गया है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा दिया गया, कभी सुने थे लहसुन प्याज था इतना महंगा, नहीं ना सुने थे, अभी देख रहे कैसे किलो हो गया, 80 रुपये टमाटर सुने थे नहीं ना था, अब देखिए 80 रुपये हो गया टमाटर, कौन खाएगा कौन जिएगा, हर सामान महंगाई होते जा रहा है, गरीब आदमी 300 रुपया कमा रहा है, मजदूर कर रहा है, उस 100 रुपये टमाटर खरीद के खाएगा, प्याज खरीद के खाएगा, नहीं ना खाएगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आपका भरोसा मोदी पर है? हाँ मोदी है, ये बाप रे क्या बताए, आपके कश्मीर में हुआ था हमारा पार्टी, आप जान रहे ना, तो कश्मीर के क्या बोला था कमांडर जब गया था, बोला कि एक भारत पर आपके कुछ भी हो जाएगा, मेरा कमंडल के यहाँ आपस आना है, देखे थे रातें रात क्या हो गया था, हाँ कमंडल के लाया था ना आपस करके, तो मोदी है तो देश सुरक्षित है, मोदी नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है, देश तो उससे पहले भी था ना, है तो इतना अग्रवादी होता था, ये होता था, अंदर अंदर क्या क्या होता था, नशलेट रहता था, कहीं है अभी उतना नहीं ना है, सब देखिए सलाखों के भीतर है, सब डरते हैं मोदी के, कैसे नहीं डरते, रास्ता में हम लोग चलते हैं तो मोदी है, मोदी कहता है, क्या कहता है कि रे इसको नहीं करो नहीं तो लड़की के कुछ करेगा ना तो मोदी ऐसे कर देगा तुमको, तभी है मोदी जब आ जाएगा ना उसका यहाँ बन जाएगा तो कुछ नहीं होगा, समझे, कांग्रेस के था उस समय तो कांग्रेस क्या किया, कुछ भी नहीं कर रहा था, बेटी का जहाँ तहाँ पेट्रोल लेके जला देता था, अभी सुन रहे हैं कहीं दहेज बछड़ा पे लेके केस करता था, है करता था वो करता, अब कुछ कर रहे हैं नहीं ना, कुछ कर रहे हैं मोदी, आप देखिए कहीं भी कर रहा है तो अच्छा से रख रहा है सबके, समझे ना, तो इसीलिए अगर मोदी आना चाहिए, मोदी रहना चाहिए, लेकिन मोदी की गारंटी है, हाँ, कई जगह चल रही है ना, यहाँ भी कह रहे हैं गोगो योजना देंगे हम, वो दे चाहे ना दे, मोदी आना चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मोदी, जान सुरक्षित रहेगा तो पैसा बहुत आएगा, जब जान सुरक्षित नहीं रहेगा तो पैसा लेके क्या करेंगे हम, हाँ बताइए, हमको 1000 रुपया दे रहा, रास्ता चल रहे हमको को छेड़ दिया, तो 1000 रुपया लेके हमको कहा गया, जब इज्जती नहीं तो पैसा लेके क्या मिलेगा, सिलेंडर नहीं चाहिए, अरे आपके क्या अर्थ बता दिए,
जब मोदी आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन हेमंता और वो जो कह रहे हैं सोरेन सरकार कह रही है कि मोदी का जादू अब नहीं चल रहा है। अच्छा, यही से सलाखों के भीतर गया था और उसके बाद बाहर आ गया तब शेर बन गया। हा? ये गलत बात बोलना नहीं चाहिए, समझे ना, समझे ना। अब मोदी जो है ना जो कहता वो करता है, समझा ना, इसीलिए बता दे रहा। अब मोदी हेमंत सूरत बोल रहे हैं उसका घर पर जाके देखे है, चाहे उसका फैमिली वाले के देखे, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं उसका बारे में, समझे। अगर वो गलत नहीं था सलाह के पीछे कैसे चल गया, कैसे चल गया, मोदी डाला, क्यों डाला है, उसको घोटाला किया गया था, किसी के कुछ भी कर दे, गरीब के मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये जितने वाले हैं तब जाके 1000 का महीना चालू किया है, समझे ना। तो हम लोग नहीं लिए, हम लोग भारम भी नहीं भरे हैं, नहीं चाहिए हम लोग, क्यों, हमको मोदी चाहिए। मोदी आए तो सब कुछ करेगा, मोदी नहीं है तो कोई नहीं करेगा, समझे ना, बेसी सुरक्षित रहेगा। चाहते हैं योगी जैसा राज यहाँ भी हो। हाँ हाँ, योगी देखते हैं ये 100 पर भारी है, हुआ है कि ना यूपी में, देखते हैं ना, तो उसी तरह ही होगा। कैसे ना होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले क्या था, गोरखनाथ मंदिर, हम लोग गोरखपुर से बिलोंग करते हैं ना, हुआ गोरखपुर में पहले मंदिर में रहता था, वो पूजा पाठ करते थे, पहले सांसद बता विधायक बना पर करते करते देखिए कहाँ से कहाँ बैठ गया। कह रहे हैं योगी जैसा राज हो गया तो यहाँ हिंदू मुसलमान होगा जैसे यूपी में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हिंदू और मुस्लिम बांटा नहीं गया है, सब एक बराबर है, ठीक है ना। ये कांग्रेस के ये सुन बांटा जाता है कि मोदी की नहीं लाया जाए, मोदी आ जाएगा तब मेरा आतंकवादी खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि मोदी नहीं आए। अब मोदी आएगा, वो आएगा, देखिएगा। हमने मकान दिया और योजनाएं दी, विकास किया, सब काम किया हमने, रुके ना, ये दीदी से एक मिनट ले, ये हमने सरकार लाएंगे, मोदी की सरकार लाएंगे, हम लोग बीजेपी के तरफ से है, हम लोग बीजेपी का वोट रहेंगे, जिताएंगे मोदी। सोरेन ने काम नहीं किया, पांच साल में क्या किया है, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है हम लोग के। हम लोग कैशमैन तो पढ़ा लिख कर ग्रेजुएशन करके बैठे हुए, नौकरी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े लोग के बाद बच्चा लोग अमीर बड़का बड़का स्कूल में पढ़ रहा है, और गरीब लोग के बच्चा स्कूल में सरकारी में भी पढ़ के पास हो रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, आप बताइए। वो लोग 8वां 9वां 10वां पहल करके नौकरी मिल जा रहा है, और हम लोग इतना पास कर रहा तब वो नहीं मिल रहा है, आप बताइए। झारखंड का सवाल रोटी बेटी और माटी का है। हाँ था, कैसे नहीं है, हाँ था सवाल है जी, रोटी बेटी माटी का मामला है। हाँ, नरेंद्र मोदी आना चाहिए, नरेंद्र मोदी आना चाहिए, आना चाहिए, वो नहीं रहेगा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, दीने देखा सब कुछ चलेगा। हाँ, जहाँ तक जहाँ अगर बांधी चालू हो जाएगा, वो रहेगा तो उसको देखकर रोहिंग्या और घुसपैठिया हो रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं इधर, तो ये ना मोदी आएगा तो नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, मोदी आएगा हम लोग भगाएगा। हाँ, बाप सरकार आएगा तो यहाँ से भगाएगा, उसको भगाएगा, क्यों नहीं भगाएगा, विदेश के यहाँ चलती है ना चलने दिया, पाकिस्तान के चलती है ना चलने दिया, तो यार वो दूसरा बांग्लादेश के चलने देगा जी, सोरेन सरकार नहीं भगाती है। वो क्या करेगा, वो तो चूड़ी पहन के बैठा है और क्या करेगा, हम तो डर के मारे, हम डरते नहीं है, जेल जाने के लिए तैयार है हम, वो चोरी करके रुके ना, चोरी करके बैठे हुए, कोई लड़की की इज्जत नहीं करते है, बड़े आदमी की इज्जत देते, हम लोग की इज्जत नहीं देते है। अब मोदी है ना सबके लेके चलते है, वो सबके लेके चलते है, हिंदू मुस्लिम सबके लेके चलते है, वो समझे ना, बस उसको फंसाया जाता है कि मुस्लिम में राट के रुहा देगा, है में करा देगा, गलत बात है, वो सबके लेके चलते है, समझे। झारखंड में चलेगा मोदी का, कैसे नहीं चलेगा जी, मोदी आएगा, आएगा पक्का, आएगा हेमंत सूरत जाएगा पक्का, तूफान जाएगा, वो तूफान में जा रहा है, जाएगा, देख लीजिए सर, इतना दिन से 5 साल में 1000 योजना कहाँ था, गरीब लोग भूखे मर रहा था कहाँ था, कहाँ था, उतना दिन से कुछ भी नहीं किया, आज जब देखा पत्ता गाय वाला है तब देख लिया कि अब 1000 का दे दे तो महिला लोग के ग्रुप में के वोट आ जाएगा मेरा, ये भूल है ना, ये भूल है, हम लोग भी दिमागदारी है, बुड़बक नहीं है कि 1000 पर पहला ले, लालच में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे हम।